जोजो किड्स। जंगल के पीछों बीच एक गुफा थी जहाँ एक सियार रहता था। एक दिन वह पानी और भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला। तभी उस जंगल का राजा शेर, जो दिन भर भोजन की तलाश कर थक चुका था, गुफा के अंदर जाकर आराम करने लगा। शेर ने सोचा कि रात होते ही जो जानवर इस गुफा में रहता है वह जरूर वापस आएगा, तब वो उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेगा। यह सोचकर शेर गुफा में आराम करने लगा और जब ही सियार अपनी गुफा में पहुंचा, तो अचानक उसने गुफा के द्वार पर शेर के पंजों के निशान देखे। कहीं मेरी गुफा के भीतर राजा शेर तो नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे अंदर जाने से पहले पता लगाना होगा, नहीं तो आज राजा शेर मुझे अपना भोजन बना लेगा। सियार बहुत समझदार था, उसने अपनी गुफा के अंदर द्वार और आसपास बहुत ध्यान से देखा। उसने पाया कि राजा शेर के पंजों के निशान भीतर जाने के हैं, परंतु बाहर आने के नहीं। बस इसी बात से वह अब समझ चुका था कि राजा शेर गुफा के अंदर ही था। तभी उसने एक उपाय निकाला और गुफा के बाहर से जोर से आवाज लगाई। गुफा, ओ मेरी गुफा, लो मैं आ गया, रोज की तरह मेरा स्वागत करो, तभी मैं अंदर आऊंगा। राजा शेर ने जब सियार की आवाज को सुना तो उसे लगा कि वह एक जादुई गुफा में है जो बोलती भी है, पर आज उसके डर से वह चुप है। क्यों ना मैं ही आवाज लगाकर सियार का स्वागत कर दूं? ये गुफा तो मेरे कारण आज बहुत डरी हुई है, कहीं मैं अपने शिकार से हाथ न धो बैठूं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आओ भीतर आओ। शेर ने सियार का स्वागत किया। सियार ने ठीक सोचा था, गुफा में शेर ही था। सियार अपनी चाल में कामयाब रहा। सियार वहां से भागा और अपनी समझदारी से शेर का भोजन बनने से बच गया। लोमड़ी और कौवा। एक बार कालू कौवे को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला, वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े को लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से सोमी लोमड़ी निकली और उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ी। कालू के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर सोमी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से अब वो वह टुकड़ा पाना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है, और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो, तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना, आज तुम कुछ अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो प्लीज। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह को खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू। अब कालू को समझ आ गया था कि सोमी लोमड़ी चीज का टुकड़ा पाने के लिए ये सब मन घड़न तारीफ कर रही थी। बेचारा कालू अपने चीज के टुकड़े से हाथ धो बैठा। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया।
जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई साहब, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को खा गए? मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। एक सीधा साधा हाथी और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे। दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर हाथी बहुत घबरा गया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है शेर भाई, जरा मेरी बात तो सुनो, आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई, आप तो मेरे भाई हैं, मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ। मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं, आपका पेट भी नहीं भरेगा, सच कह रही हूँ। इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ, आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद 2-4 दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे खाके कल तक फिर भूख लग जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि उसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो, अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही दयालु था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। इन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए शहर से शिकारी शिकार करने के इरादे से वहां आते थे। एक दिन शिकार के दौरान शेर को शिकारी का तीर लग गया, पर इससे पहले कि शिकारी शेर को पकड़ पाते, वह भागकर किसान के घर के आगे बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान ने जब घायल शेर को देखा तो उसने शेर की मरहम पट्टी की और साथ में भोजन भी कराया। कुछ दिन बाद जब शिकारी दोबारा जंगल में आए तो वह उसी शेर को पकड़ने में कामयाब हो गए।
हमें शहर तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। शेर तो मांसाहारी होता है, क्यों ना इसे जंगल से कुछ शिकार करके खिला दें? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी शिकारियों की नजर लकड़ियां काटते हुए एक किसान पर पड़ी। यह वो ही किसान था जिसने शेर की मदद की थी, उसकी जान बचाई थी। शिकारी ने जबरदस्ती किसान को पकड़ा और शेर के पिंजरों में डाल दिया। सुनो शेर, अब यही तुम्हारा भोजन है, इसे खाओ। शेर बहुत गुस्से में था और भूखा भी, लेकिन जैसे ही वह किसान के पास पहुंचा, उसने किसान को पहचान लिया और उसे चाटने लगा। एक इंसान और जानवर की ऐसी अद्भुत दोस्ती देखकर शिकारी हैरान रह गए और उन्होंने उन दोनों को आजाद कर दिया। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। आलसी तोता। एक पेड़ पर 2 तोते रहते थे, किट्टू और मिट्टू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है, चलो मिलकर इसे काट दें। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त, मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्टू को आवाज लगाई। मिट्टू मिट्टू देखो, बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, आओ इसे काट दे। कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्टू तुम बात को समझो, अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्टू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्टू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मिट्टू तोता आलसी होने की वजह से हर काम कल पर टालता रहा। इसी तरह एक दिन जब शिकारियों की नजर मिट्टू के बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिट्टू के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिट्टू को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी, सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थी, मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा, उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू, हम सभी जानवर को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए, हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती,
कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त घबराओ नहीं, मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियाँ शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। Please subscribe.